नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी असीम अरुण अब खाकी के बाद खादी लिबास पहनेंगे। दरअसल कानपुर कमिश्नर रहे असीम अरुण ने वीआरएस के लिए आवेदन दिया था, जिसे योगी सरकार ने मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही अब वो आईपीएस की सेवा से मुक्त हो गए हैं। इसके लिए बस कुछ औपचारिकता भर रह गई है। इसी के साथ ही खबर ये भी है कि असीम अरुण कन्नौज की सुरक्षित सदर सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल असीम अरुण ने शनिवार को पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेकर बीजेपी की सदस्यता ली है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले ही उन्होंने शासन को वीआरएस के लिए अर्जी दी थी। शनिवार को उनकी अर्जी स्वीकृत होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट के जरिए असीम अरुण ने बताया था कि उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिला है। अपनी पोस्ट में असीम अरुण ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि उन्हें इस काबिल समझा गया। वो अब अपना पूरा अनुभव राजनीति में लगाना चाहती हैं। असीम अरुण ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर काम करने वाले हैं। समाज के हर वर्ग के सम्मान के लिए वो पूरी मेहनत करेंगे। अपनी पोस्ट में असीम अरुण ने इस बात पर भी दुख जताया कि अब वो पुलिस की वर्दी दोबारा नहीं पहन पाएंगे। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, केवल एक ही कष्ट है, अपनी अलमारी के सबसे सुंदर वस्त्र अपनी वर्दी को अब नहीं पहन सकूंगा। उन्होंने कहा कि अपने साथियों से विदा लेते हुए वचन देता हूं कि इस वर्दी के सम्मान के लिए सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। आपको मेरी तरफ से जोरदार सैल्यूट। आपको बता दें, 1994 बैच के असीम अरुण मूल रूप से कन्नौज के ही रहने वाले हैं। उनके पिता स्वर्गीय श्री राम अरुण उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। यूपी आईपीएस अफसरों में असीम अरुण की तेज तरार अफसरों में गिनती होती है। वो एटीएस के आईजी रह चुके हैं। लखनऊ में आतंकी सैफुल्ला के एनकाउंटर में भी उनकी अहम भूमिका रही थी। कई आतंकी साजिशों का भी असीम अरुण खुलासा कर चुके हैं। एडीजी पद पर प्रमोट होने के बाद कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।